एक बार रुक जाओ आप। दीपांशी आपका डाउट क्लियर हो गया? यस सर। सर वो एक लास्ट में और भेजा था मैंने, वो बता दो बस एक बार। अभी अभी लास्ट में बताते हैं सर। ओके सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखो हेलो लैंड, हेलो एल्केन और हेलो रिन कितना आता है आप लोग को ये बताओ। आप कहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या सभी कोई ने पढ़ा सही से? अभी तक सही से सभी कोई ने पढ़ा? रिविजन यस सर। यस सर। चल रहा है आप लोग का ना, हेलो एल्केन हेलो रिन का? थोड़ा यस सर। सा और स्टार्ट। अब तो नेक्स्ट मंथ का सहरा वगैरह का भी माहौल आने वाला है। यस सर। फेस्टिवल्स वगैरह। हेलो सर, नमस्ते। गुड इवनिंग सर। सर आप म्यूट हैं। ठीक है, 2 मिनट ऐसे ही रुको आप तो। ओके सर। आप 2 मिनट ऐसे ही रुको आप तो। व्हाट्सएप 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 व्हाट्सएप। बच्चे 2 मिनट और रुको, ठीक है? 2 मिनट और रुको, मैं स्टार्ट ओके करता सर। हूँ। 2 मिनट और रुको।
बच्चों अब आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर। कुछ प्रॉब्लम हो गया था, होता रहता है कभी कभी, ठीक है। सर आपके यहाँ भी बारिश हो रही है? हाँ, जैसा कि मैं ना किसी और ग्रह से आया हूँ कि मेरे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, सही बात है ना? नो सर। थिकनेस लग रहा है, मैं कहीं और से हूँ। नो सर। नो सर। बस मैं भी इसी अर्थ का हूँ, मेरे यहाँ भी बारिश हो सकती है, आप लोग क्या हो रही है तो देखो। ये बताओ क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या, एक बार बताओ आपको? नो सर। यस सर। दिख रहा होगा, विजिबल है सबको स्क्रीन? यस सर, विजिबल है। यस सर, दिख रहा है। क्लियर है? यस सर। एक मिनट, एक बच्चा पूछ रहा है कुछ, एक मिनट में बता दो इसको। देखो तो आज हम क्या करेंगे, हेलो एल्केन और हेलो रीन का क्या करेंगे, रिवीजन, रिवीजन देखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, इसमें ना कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो रिवीजन क्लास है हेलो एल्केन हेलो रीन का, तो मैंने सबसे ज्यादा फॉलो किया एनसीईआरटी को, ठीक है। तो आपको पता है कि हेलो एल्केन हेलो रीन का क्या मतलब है, जहां पे भी ए साइक्लिक कुछ भी हुआ, ए साइक्लिक हुआ, इनको क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे। और इसमें कोई एक्स ग्रुप जुड़ गया तो हेलो एल्केन, हेलो एरोमेटिक आ गया, वहां पे कोई हेलोजन जुड़ गया तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलोरीन, हेलोरीन। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर है सबको? क्लियर है। तो ध्यान से अगर आप देखो, हेलो एल्केन है और हेलो एल्केन में केवल और केवल एक ही हेलोजन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे। Yes, या देखो इसमें दो हेलोजन है तो डाई हेलो एल्केन बोलेंगे, इसमें तीन हेलोजन है तो ट्राई हेलो एल्केन। ऐसे ही नीचे वाला हेलोरीन है तो मोनो हेलोरीन है, डाई हेलोरीन है और ट्राई हेलोरीन है, ट्राई हेलोरीन। अब सिंपल सी बात लो, मान लो कि जो हमारे पास एक्स है यानी कि जो हमारे पास हेलोजन है, अगर वह हेलोजन केवल और केवल एक कार्बन से जुड़ा है, केवल और केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो वह क्या होगा, वन डिग्री होगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। और जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वह दो, देखो सबसे पहले ना जिस कार्बन से एक्स जुड़ा है ना वह कितने कार्बन से जुड़ा है डिपेंड करता है, अगर यह केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है तो वन डिग्री होगा, अगर वह दो कार्बन से जुड़ा है तो टू डिग्री होगा, अगर वही तीन कार्बन से जुड़ा है तो थ्री डिग्री होगा, टू डिग्री होगा। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। डिग्री को प्राइमरी, टू डिग्री को सेकेंडरी और थ्री डिग्री को टर्शियरी, टर्शियरी बोलते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। अब देखो एलाइल किसको बोलते हैं, सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो और इस वाले कार्बन पे कोई भी एक्स जुड़ा हो, किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन। और जो भी अगर हैलाइड जुड़ा हो तो एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे, OH जुड़ा हो तो एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। यह भी देखो, यह भी तो हमारा एलाइलिक पोजिशन ही है। यस सर। और यह भी हमारा एलाइलिक पोजिशन ही, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर, स्क्रीन भी विजिबल नहीं है सर, पॉज हो गए थे आप।
एक मिनट रुकना, थोड़ा इंटरनेट इशू हो गया। ओके सर। देखो तो यहाँ तक सर किसी को कुछ भी डाउट है? स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर आ रही श्योर है। तो सिंपल सी बात, देखो मैंने आप लोग को बता दिया ना, यह वाला पोजीशन एलाइलिक है, यह वाला भी एलाइलिक है, और यहाँ पे कोई कुछ भी होता तो यह भी पोजीशन क्या होता? एलाइलिक। एलाइलिक होता। डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है। नो सर। अब देखो मान लो कि हमारे पास कोई बेंजीन है और बेंजीन पे एक कार्बन है, यह वाला कार्बन क्या होगा? बेंजाइलिक कार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन। और यहाँ से कोई चीज जुड़ जाए तो बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा, बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। इसी क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो कि यह जो कार्बन जुड़ा है, देखो ध्यान से, यह एक कार्बन से जुड़ा तो यह 1 डिग्री हो गया। अगर वही यह ऐसे कार्बन से जुड़ा है कि यहाँ पे 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा, और ऐसे ही 2 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? विनाइलिक का मतलब पता है ना, अगर डबल बॉन्ड से कोई भी जुड़ जाए तो विनाइलिक, यह कार्बन विनाइलिक कार्बन होता है, यह विनाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक और विनाइलिक आपको पता चल गया ये सब? मैं बिल्कुल। अब देखो मान लो कि हमारे पास क्या है, बेंजीन है, और जस्ट बेंजीन से कोई हैलोजन जुड़ जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे एरिल हैलाइड। क्या बोलेंगे? अगर कोई ओए जुड़ जाए तो एरिल एल्कोहल। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यस सर। अब आ जाते हैं हेलो एल्केन का रिएक्शन कैसे होता है। सिंपल सी बात देख लो मान लो कि हमारे पास कोई एल्कोहल ले लो, देख लो कि हम हेलो एल्केन बनाते कैसे है। हमने कोई एल्कोहल ले लिया और उसमें क्या डाल दिया? HCl और ZnCl2। तो आप बताओ क्या बन जाएगा? RCl बन जाएगा क्या? और H2। Yes, sir. और H2O बन जाएगा। जरा बताना ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएजेंट है? लुकास रिएजेंट है। Yes, sir. ऐसे ही आपको एक एल्कोहल ले लो और इसमें क्या डाल दो? NaBr डाल दो और साथ ही साथ H2SO4 डाल दो, तो क्या बन जाएगा? RBr बन जाएगा। Yes, sir. अब कोई आप एल्कोहल ले लो और उसमें PCl3 डाल दो या फिर PBr3 डाल दो, दोनों में से कुछ भी डाल दो, तो क्या बन जाएगा जरा बताओ? RCl तो पक्का है और PO3 बन जाएगा। PO3। क्लियर है क्या? याद रखना जो यहाँ पे PCl3 और PBr3 यही दोनों हो सकता है, PF3 नहीं हो सकता है, PI3 नहीं हो सकता, केवल और केवल Cl3 और Br3। ओके सर। डाउट है किसी को? नो सर। अब मान लो कि यह दूसरा और तीसरा इम्पोर्टेंट हो जाता है ज्यादा। मान लो कि कोई हमने अल्कोहल ले लिया और साथ ही साथ अब PCl5 डाल दिया। PCl5 डालने पे क्या होता है? RCl होता है और क्या होता है? PO3 होता है। POCl HCl। RCl बनेगा, POCl3 बनेगा और क्या बनेगा? HCl। मान लो कि हमारे पास कोई ROH है और इसमें हमने डाल दिया रेड फास्फोरस, साथ साथ कोई X2 डाल दिया। X2 का मतलब क्या है? या फिर ब्रोमीन हो सकता है या फिर आयोडीन। आयोडीन। तो बताओ क्या बनेगा? RX। जरा ये बताना ये कौन सा रिएजेंट है, कौन सा टेस्ट है यह? कौन सा टेस्ट है यार? ये मैंने बता रखा है आप लोगों से। अरे विक्टर मेरा टेस्ट का नहीं है। यस सर। रिएक्शन याद थी ना? विक्टर मेरा टेस्ट ऐसे ही करते हैं ना। यस सर। गुरमनंत मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आप लोग कैसे भूल जा रहे हो? मतलब कि आगे भी मैंने अल्कोहल पढ़ा रखा है फिर भी आप लोग भूल जा रहे हो, पता नहीं क्या है। ये सब के सब ना अल्कोहल से बना रहे। फिर यहाँ पे ROH है, SOCl2 है, डायरेक्टली RCl बन जाएगा। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहला जो था ना, पहला
पहला हम एल्कोहल से बना रहे थे। एल्कोहल से क्या बनाए हमने? हेलोएल्केन। हेलोएल्केन हमने बनाया। अब हम किससे बनाएंगे हेलोएल्केन? एल्केन से बनाएंगे, और वो भी बाई फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास है CH3, CH2 और CH3। अब इसमें ध्यान से देखो, मैंने क्या डाल दिया? क्लोरीन डाल दिया और यूवी लाइट डाल दिया, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, या फिर इसको हम हीट कर दिए। तो जब भी आपका क्लोरीनेशन या फिर क्लोरीन होगा, लाइट के प्रेजेंस में होगा या फिर हीट होगा, तो यह कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। क्या बातें मेरी क्लियर है? यस सर। अब देखो, कहीं से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, 1, 2, 3, 4। आप बताओ, क्या हमारे पास जो तीसरा कार्बन है, क्या दूसरे कार्बन जैसे नहीं है सेम? और चौथा कार्बन पहले कार्बन जैसे, चाहे इधर से काउंट करो चाहे उधर से काउंट करो, बात तो बराबर हुआ ना? यस सर। अब देखो, अब होता क्या है कि बारी बारी से रेडिकल बनता है। यहाँ का 2H है ना, तो 1H बाहर निकल के यहाँ पे रेडिकल बना लेगा, तो क्लोरीन यहाँ पे जुड़ सकता है। तो देखो, दूसरे पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ गया क्या? यस सर। क्लोरीन पहले पोजीशन पे भी जुड़ सकता है। देखो, पहले पोजीशन पे भी क्लोरीन जुड़ गया क्या? यस सर। क्लियर है? क्लियर है। तो क्लोरीन दूसरे पे भी जुड़ सकता है, क्लोरीन पहले पे भी जुड़ सकता है, लेकिन मेजर वही बनेगा जहां पे जो रेडिकल होगा ज्यादा स्टेबल होगा। आप बताओ, जो फ्री रेडिकल होता है ना, यह सेम टू सेम कैसे होता है? कार्बोकेटायन जैसे होता है। आप बताओ, अगर 2 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल भी ज्यादा स्टेबल होगा। अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, तो 3 डिग्री रेडिकल भी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जो कार्बोकेटायन का ऑर्डर क्या होता है जरा बताना? 3 डिग्री, then 2 degree, then 1 degree. ऐसे ही फ्री रेडिकल का क्या होता है? 3 degree, 2 degree, 1 degree. तो जरा बताना, दोनों में से मेजर कौन बनेगा, पहला और दूसरा? सेकंड वाला सर। सेकंड वाला ना, क्योंकि सेकंड वाला रेडिकल बना होगा ना, बोलो आप लोग। यस सर। चलो, आप लोग जरा इसका आंसर बता दो आप, या फिर रुक जाओ, देखते हो। बताओ, मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा? सेकंड वाले सर। 1 ब्रोमीन कहाँ ऐड होगा? सो सेकंड पे। अरे ये बताओ कि अगर मैं फ्री रेडिकल बनाऊंगा, तो सेकंड पे सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा ना? यस सर। बोलो आप लोग। जी सर। तो जाहिर सी बात है, ब्रोमीन कहाँ पे ऐड होगा बताओ? सेकंड पे। सेकेंड पे। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। अगर मान लो मैं ऐसे कर देता, फर्स्ट पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और रिएजेंट सेम रहता, अब बताओ अब कहाँ जुड़ेगा? फर्स्ट पे। सेकेंड पे कोई हाइड्रोजन है क्या निकलने वाला, जरा बताना आप लोग? नो सर। तो रेडिकल बनेगा ना, तो हाइड्रोजन है ही नहीं निकलने वाला, और ऊपर से sp2 कार्बन पे ना ही रेडिकल स्टेबल होता है, ना ही पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, ना ही नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, तो रेडिकल तो बनेगा ही नहीं। हाँ जी नंदिनी, बताओ आप। क्या सर, मुझे ये br वाला समझ नहीं आया, जो ऊपर था ना, फ्री रेडिकल वाला। देखो यहाँ पे ब्रोमीन और ब्रोमीन है ना, यह टूट के क्या बनता है, यह शेयरिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन, यह अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यह अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ब्रोमीन पे एक इलेक्ट्रॉन होता है और इस वाले ब्रोमीन पे भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। और यहाँ से हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यह भी टूटेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यह भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पे भी रेडिकल आ जाएगा, यहाँ पे भी रेडिकल आ जाएगा,
लेकिन एक टाइम में किसी एक ही जगह रेडिकल आएगा, तो बताओ दूसरे वाले पे रेडिकल आएगा कि पहले वाले पे? जहाँ पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा वहीं पे रेडिकल आएगा ना? यस सर। दूसरे वाले पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो दूसरे वाले पे आएगा। कभी भी लाइट आपको दिख जाए, आपको हेलोजन दिख जाए, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन और लाइट दिख जाए, तो आप लोग समझ लेना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। कौन सा मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके सर। सेकंड वाले में जो 2 डिग्री वाले कार्बन हैं, वहाँ पे नहीं लग सकता ब्रोमीन? कहाँ पे? सेकंड वाले में जो 2 डिग्री वाले कार्बन है। यानी आप सातवें नंबर का बोल रहे हो या फिर तीसरे नंबर का बोल रहे हो, यही ना? यस सर। देखो मैंने आपसे बोला ना, अगर मान लो कि हमारे पास ये sp2 कार्बन है ना, sp2 कार्बन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और फ्री रेडिकल, तीनों के तीनों स्टेबल नहीं होते, तीनों के तीनों स्टेबल नहीं होते हैं, समझे क्या? ओके सर। रेयर केस में कभी बन जाए, हम ज्यादा उल्टा सीधा कंडीशन लगा लेते, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में बनता ही नहीं है उसमें, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर रेडिकल बनता ही नहीं है, ठीक है क्या? ओके सर। केवल और केवल पहले नंबर कार्बन के पास ऑप्शन है, पहले नंबर के पास जाके जुड़ जाएगा। आई होप आप लोग को मेरी बातें समझ आई। यस सर। तो एक और मैं क्वेश्चन दूं, आप लोग बताओगे? यस सर। चलो अब ये बताओ, ये बताओ, पता है क्या, यहाँ पे क्लोरीन है ना, पहले क्या होता है, पहले एक क्लोरीन जुड़ता है। देखो मैं क्या बताता हूँ, अगर क्लोरीन मान लो लगा ना, तो पहले मान लो रेडिकल बना ना, तो पहले एक क्लोरीन जुड़ेगा, फिर आएगा, फिर एक और एच निकालेगा, और फिर दूसरा क्लोरीन जुड़ जाएगा, फिर अब क्या होगा, एक और एच है ना, तो तीसरा क्लोरीन भी जुड़ जाएगा। अब बताओ इसके आगे भी रिएक्शन होगा क्या? नो सर। नो सर। क्या नाम होगा इसका, जरा बताना आप लोग। सर पिरिडीन। पिरिडीन इसका नाम है। बेंजोल डाइक्लोराइड। नहीं पता चल रहा है आप लोग को, आप लोग इसका नाम ढूंढ के लाओगे, मैं आप लोग को वर्क के लिए छोड़ दूं, नाम ढूंढ के लाना, और नहीं होगा ना तो आप लोग चैट बॉक्स में, आप लोग का डाउट वाला ग्रुप है ना उसमें डाल देना, ठीक है? ओके सर। अगर नहीं मिला तो आप लोग डाउट वाले ग्रुप में डाल देना उसमें। अब देखो मान लो कि हमारे पास ये, देखो हमारे पास कुछ ऐसे है, ठीक है? अब देखो हमारे पास क्या है, FeN, FeCl3 है और क्लोरीन, क्लियर है क्या? और दूसरे केस में क्या है, क्लोरीन है और HNI है, इसको मैंने बोल दिया A और इसको मैंने बोल दिया B, बताओ A वाला प्रोडक्ट क्या होगा? सर ऑर्थो या फिर पैरा पे Cl लग जाएगा। बिल्कुल, आप बताओ क्या यह फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जैसे नहीं बन रहा है? यस सर। Cl4 माइनस हो जाएगा और एक क्लोरीन प्लस हो जाएगा, और यह क्लोरीन प्लस या फिर ऑर्थो पे अटैक करेगा या फिर पैरा पे अटैक करेगा? पैरा। क्लियर है क्या? तो देखो कुछ ऐसे, yes, कुछ ऐसे बन जाएगा, बताओ बन जाएगा। फर्स्ट वाले पे लग जाएगा। अरे तीन क्लोरीन नहीं लग जाएगा? यस सर। डाउट है किसी को? यस सर। कोई डाउट नहीं है, तो पहला जो तरीका है ना, वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, वो जाके अटैक कर रहा है बेंजीन रिंग पे, और दूसरा वाला फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है, फ्री रेडिकल। तो पहला वाला जो है ना इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, दूसरे वाले केस में कौन अटैक कर रहा है बताओ जरा? क्लोरीन। ये हमेशा एक्सेस में रहता है, कभी कभी जब नहीं कुछ दिया हो ना तो आप लोग क्या मान के चलोगे? एक्सेस में ही मान के चलोगे, और जब दिया हो इक्विवेलेंट तब आप लोग मान के चलोगे कि हाँ ये एक होगा या फिर दो होगा, अगर नहीं कुछ दिया हो तो आप लोग क्या मान के चलोगे? एक्सेस में होगा। मेरी बातें क्लियर है सबको? कुछ भी डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ू मैं? जी सर। आगे बढ़ता हूँ,
अब ध्यान से देखो, आप बताओ कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हमने हेलो एल्केन हेलो एरिन में क्या क्या पढ़ा था? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था SN1 पढ़ा था और SN2 हमने पढ़ा था, E1 पढ़ा था और एक क्या पढ़ा था? E2। ये सबको याद है क्या? Yes. अगर मान लो कि हमें E2 इलिमिनेशन कराना है तो कंडीशन क्या क्या होना चाहिए? सर ऑर्डर्स, सबसे पहली बात तो यह अल्फा कार्बन है और यह बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन पे मिनिमम एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। अरे हाइड्रोजन रहेगा तभी तो ये E2 इलिमिनेशन होगा ना, एल्किन तभी बनेगा ना, बताओ। Yes, भूल गया सब? भूल गया है क्या सब? तो पहली बात, बीटा पोजीशन पे तो हाइड्रोजन मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. Yes, कुछ sir. देखो CH3 CH2 Br। अब जरा बताओ क्या यह एलिमिनेशन रिएक्शन देगा? क्या E2 एलिमिनेशन देगा? नो सर नहीं देगा ना? नो सर। क्यों नहीं देगा सर? क्योंकि एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है बीटा कार्बन से। क्लियर है? तो देखो yes, जो E2 होता है ना, E2 वो सेम का सेम SN2 जैसे बनता है। SN2 जैसे कि मतलब इसमें भी कार्बोकैटायन नहीं बनता है, इसमें भी कार्बोकैटायन नहीं बनता है। क्लियर है? और जो yes, SN1 है वो किसे बनता है? E1 जैसे। इसमें भी कार्बोकैटायन बनता है और इसमें भी कार्बोकैटायन बनता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर है, ऐसे ही फॉलो होता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो SN1 में क्या होता है? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। SN2 में क्या होता है? 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। क्योंकि SN2 को भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। और E1 E2 में बताओ जरा आप लोग। E1 में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, E2 में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। E2 में भी सेम होता है। यस सर, सेम होता है। E2 में भी सेम होता है, यही तो मेन चीज है। आप लोग को मैंने क्लास में बताया था, आप लोग को अगर याद हो तो। गुरमनंत याद है क्या आपको? यस सर याद। जतिन SN1 E1 से इक्वल मतलब सिमिलर होता है और SN2। अब क्या सर? अब जो रेट होता है ना, रेट जो होता है ना SN1 में, केवल और केवल जो रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एल्किल हैलाइड। और SN2 एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, दोनों के होता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। सब चीजें आप लोग को ध्यान देनी है। अब ये बताओ, E2 इलिमिनेशन हो रहा है, एक जगह आयोडीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया और फ्लोरीन लगा दिया, तो बताओ सबसे अच्छा E2 इलिमिनेशन कौन देगा? आयोडीन। आयोडीन वाला, क्योंकि आयोडीन वाला सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। जितना ज्यादा साइज बड़ा उतना ही ज्यादा क्या होगा? अच्छा लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस। किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ू मैं? यस सर, आगे बढ़ता हूँ। अब पहली बात, कभी भी SN1 रिएक्शन आए ना तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना? जैसे कि मान लो, हम आपको एक तरीका बता रहा हूँ। CH2 Cl पहला नंबर है। CH2 Cl है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा, यह दूसरा नंबर। CH2 Cl है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OCH3 हो जाएगा, यह तीसरा नंबर है। अब जरा बताओ सबसे अच्छा SN1 रिएक्शन कौन देगा? थर्ड वाला। क्यों थर्ड वाला? आप बताओ कि SN1 में क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। जी सर, बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबल कर सकता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो जाहिर सी बात है थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा उसको। फिर सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, अरे सेकंड वाला, आप लोग। अगर वही मैं SN2 की बात करूँ तो SN2 में बच्चों पता है क्या? कार्बोकैटायन नहीं बनता है। SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। एक साइड से एक आ रहा होता है, दूसरे साइड से
जा रहा होता है। स्टेट में आपको पता है स्लाइटली नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव को कौन स्टेबल करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बोलो। क्या मेरी बातें समझ आई आपको? यस सर। आप लोगों ने सभी फैक्टर कंसीडर करना है, एवरी फैक्टर कंसीडर करना है, तभी जाके हो पाएगा आपको, वैसे मुश्किल है। आप लोग तो सब चीज देख के चल रहे हैं। सब किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। में मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफाइल और बेस, न्यूक्लियोफाइल और बेस। जरा बताओ न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या अंतर है, दोनों में क्या फर्क है? सर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन्स लेता है और बेस एक सेकंड, हाँ बेस डोनेट कर। सॉरी सर एक सेकंड। कोई बताएगा? सर न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और बेस जो एक्सेप्ट करे, सही बोला सर। और भी बच्चे? सर न्यूक्लियोफाइल होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और बेस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। पहली बात देखो, न्यूक्लियोफाइल हो या फिर बेस, दोनों के पास माइनस चार्ज होगा, एक्सेप्ट करते हैं। दोनों के पास माइनस चार्ज होगा और लोन पेयर होगा, क्लियर है? लोन पेयर। यस सर। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे CH3S- है और हमारे पास CH3O- है, दोनों S और O एक ही ग्रुप के, एक ही ग्रुप। यस सर। इसका काम होता है ना H+ लेना, बेस का क्या काम होता है? H+ लेना। तो अगर दोनों में से जो बेस होगा ना, वो सबसे पहले किसको ढूंढेगा कि कहीं H+ दिख रहा है क्या, कहीं H+ दिख रहा है क्या? कहीं H+ दिख जाएगा तो क्या कर लेगा वो? ले लेगा। क्लियर है? कहीं H+ दे देगा तो क्या हो जाएगा वो? एक्सेप्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा। अब सिंपल सी बात बताओ, दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन। H प्लस पहले लेगा सल्फर से पहले, तो यह क्या होगा? यह अच्छा बेस होगा, अच्छा बेस होगा। अब न्यूक्लियोफाइल वह होता है ना जो इजिली इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, जो इजिली किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे, दे ये बताओ साइज बड़ा किसका है? सल्फर का। तो सल्फर का साइज क्या है? तो जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, क्या न्यूक्लियस उसको पकड़ पा रहा होगा? क्या नहीं पकड़ पाएगा? तो इजीली दे सकता है उसको किसी को? यस सर। न्यूक्लियोफाइल का मतलब वो होता है जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। क्लियर है क्या? जी सर। डोनेट कर सके। तो यह जो बेस है ना, तो यह कभी कभी न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर देता है, कभी कभी बेस का भी काम कर देता है। अब कब न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, कब बेस का काम करता है? सिंपल सी बात देखो, मान लो कि हमने अल्कोहल ले लिया, हमने क्या ले लिया? अल्कोहल ले लिया, और हमने ले लिया वाटर ले लिया। अगर इसके पास कोई नहीं रहा, अकेले यह है, यह न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है और बेस का भी काम कर सकता है, दोनों का काम कर सकता है, ठीक है? न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है और बेस का भी काम कर सकता है। लेकिन पता है क्या, जब इसको एसिडिक हाइड्रोजन कोई नहीं मिलेगा ना, तब यह न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। मान लो कि यह बेस है, जब उसको कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन मिले ही ना, तो किसका काम करेगा बताओ? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। क्लियर है क्या? अगर मान लो कि ना मिले तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, अगर बेस मिल जाए तो हाइड्रोजन ले लेगा। बातें मेरी क्लियर है? अब सिंपल सी बात मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड O और यह हमारे पास CH3 है और हमारे पास NaOH है। अब NaOH में जो OH- है, OH- आप लोग इसको बेस भी बोल सकते हो, न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हो। तो देखो,
मान लो तो सबसे पहला ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, बात सबसे पहले यह क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल का काम करता है फिर बेस का काम करता है। देखो कि क्या यहाँ पे दिख रहा है, क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमें दिख रहा है, क्या पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या करेगा सबसे पहले जाके अटैक करेगा, जब सबसे पहले जाके अटैक करेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे सी एस थ्री, यहाँ पे सी एस थ्री और यहाँ पे ओ एच, क्लियर है ओ एच। अब फिर से बाहर आएगा, बाहर आएगा तो किसको बाहर निकालेगा, पहले नंबर या फिर दूसरे नंबर या फिर तीसरे नंबर, उसी को बाहर निकालेगा जो स्टेबल हो जाए, जाहिर सी बात है तीसरे नंबर को ही निकालेगा ना, बोलो। और तीसरे नंबर को निकालेगा तो क्या यह वैसे का वैसे हो गया क्या फिर से जैसे पहले था? यस सर। इसका मतलब यह न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा, या किसका काम करेगा, बेस का, बेस काम का। यहां से हाइड्रोजन निकालता है, जब यहाँ से हाइड्रोजन निकालता है तो कुछ ऐसे बन जाता है, कुछ ऐसे बन जाता है। अब बताओ क्या यह टोटोमर, क्या यह रेजोनेंस होकर स्टेबल हो जाएगा? यस। अभी हम लोग ना इसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ये सब चीजें, ये सब ना इनामीन है, क्या बोलते हैं कीटो इनॉल है, ये सब के सब कीटो इनॉल है, ये सब के सब आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। कोई भी पहले न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा तो क्या करेगा बताओ, बेस का काम करेगा, सब सॉरी सबसे पहले बेस का काम करेगा, और अगर अगर एसिडिक हाइड्रोजन में हो तब किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, पहले वह बेस का काम करेगा, अगर नहीं कोई मिला तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। तो आप बताओ कि यह पता है क्या, यह एस वाला क्या है, यह अच्छा न्यूक्लियोफाइल है लेकिन खराब बेस है, बोल सकते हो क्या इसको, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है लेकिन बेस खराब है, और इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, यह बेस अच्छा बेस है बट न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्लियर है मेरी बातें? यस सर क्लियर है। किसी को कुछ भी डाउट? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दोगे? देखो मैं यही बोल रहा हूँ ना, यह जो एस वाला है ना, एस वाला यह अच्छा न्यूक्लियोफाइल है लेकिन बेस नहीं है, अच्छा बेस नहीं है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है लेकिन अच्छा बेस नहीं है, नहीं और नीचे वाला अच्छा बेस है लेकिन अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्या मेरी बातें क्लियर है? ओके सर, ओके सर, यस सर, डाउट है? नो सर, नो सर। और बताऊं मैं? यस सर, यस सर। अब सिंपल सी बात देखो, ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास SN1 रिएक्शन है और हमारे पास क्या है SN2 रिएक्शन है, जैसे कि देखो CH3 CH2 और X है, कुछ ऐसे है। आप बताओ कि यह SN1 भी दे सकता है और SN2 भी दे सकता है, सबसे अच्छा कौन देगा, SN1 या फिर SN2? सर SN1, SN1, SN2 देगा ना, अच्छा हाँ सॉरी सर, अरे 1 डिग्री है ना, अब यह बताओ यह SN1 देगा, SN1 और टेन क्या देगा, SN2, SN2, क्लियर है क्या बात है? अब सिंपल बात बताओ कि SN1 में क्या होता था, SN1 में 50% R बनता था और 50% S बनता था, क्या रेशियो बनता था क्या? Yes sir, yes sir। और SN2 में इन्वर्जन होता था? Yes sir, इन्वर्जन, इन्वर्जन होता था। अगर मान लो, मान लो कि अगर आपको मैंने कोई भी ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, तो वह बोल रहा है कि अगर हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराऊंगा तो जाहिर सी बात है या फिर SN1 होगा या फिर SN2 होगा। Yes sir, yes sir। वह बोल रहा है, बहुत हो सर। बताओ 100% इन्वर्जन होगा? Yes sir, इन्वर्जन। या फिर 100% रिटेंशन होगा? रिटेंशन का मतलब आप लोग समझ रहे हो? Yes sir। या फिर यह बोल रहा है कि 100% रेसमिक मिक्सर होगा? या फिर ऐसा बोल सकता है कि हमारे पास जो है इन्वर्जन ज्यादा होगा, इन्वर्जन ज्यादा होगा, मतलब यह है कि मानो हम SN1 रिएक्शन करा रहे हैं या फिर SN2 रिएक्शन करा रहे हैं,
या फिर मान लो कि SN1 रिएक्शन करा रहा है, ठीक है, SN1 रिएक्शन करा रहा है, तो आप बताओ SN1 में क्या होता है? Maximization. R देखो 50% R और 50% S बनता है क्या? Yes, yes, कि उसमें से 10% चांस है कि SN2 भी तो रिएक्शन हो सकता है ना? Yes, sir. Yes, sir. मान लो कि यह स्टार्टिंग में R है, और मान लो स्टार्टिंग में R है, स्टार्टिंग में क्या है? R है. तो जब स्टार्टिंग में R होगा तो SN1 कराऊंगा तो 50% R बनेगा, 50% S बनेगा, ये क्लियर है? लेकिन अगर थोड़ा सा भी चांसेस रहा SN2 बनने का तो क्या बनेगा? R का क्या बन जाएगा? इन्वर्जन. S बन जाएगा ना? S. Yes, sir. आप बताओ ओवरऑल yes, S वाले की संख्या ज्यादा होगी कि नहीं होगी? Yes, yes, होगी सर. कभी भी SN1 रिएक्शन होता है ना तो 100% रेसमिक मिक्सर नहीं होता है. 100% रेसमिक मिक्सर नहीं होता. उसमें पता है क्या, जो इन्वर्जन वाला होता है ना उसका केस क्या होता है? उसका ज्यादा होता है. क्लियर है मेरी बातें? सर अगर टर्शरी कार्बन हुआ तब भी 100% रेसमिक नहीं होगा. अगर टर्शरी कार्बन होगा तो आप बताओ, मान लो कि 100 में से 98% R और S बन गया, मतलब 98% में से 49 R बन गया, 49 S बन गया, लेकिन फिर 2% तो SN2 रिएक्शन हो सकता है ना? यस सर. ओके सर. 2% SN2 रिएक्शन होगा तो R का S हो जाएगा, यानी वो S वाले में जुड़ जाएगा क्या? यानी जिसका 49 था उसका 51 हो जाएगा. यस सर. क्लियर है सबको? यस सर, आ गया. किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो. किसी को कुछ भी डाउट हो, किसी रिटेंशन बता, क्या चीज? रिटेंशन. रिटेंशन का कहने का मतलब है ना, आर आर रहेगा तो आर ही रह जाएगा. रिटेंशन का मतलब यह है, अगर स्टार्टिंग में आर दिया गया तो लास्ट में भी आर ही रहेगा. तो रिटेंशन तो होता नहीं है किसी में. रिटेंशन किसी में नहीं होता है, ना ही SN1 में होता है, ना ही SN2 में होता है. 100% रिटेंशन तो होता ही नहीं है. हाँ जी, ऑप्शन फोर होगा जतिन. ऑप्शन फोर होगा. किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता सकता है. नो सर, आ गया. आ गया सर. SN1 में रिटेंशन रेसमाइजेशन दोनों होता है, और SN2 में सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होता है. ये SN2 में 100% इन्वर्जन होता है, लेकिन SN1 में ना रेसमिक मिक्सर बनता है. 50-50% का केस होता है. ओके सर. ओके सर. लेकिन अगर कुछ SN1 दे दिया तो पूछेगा कि बताओ R ज्यादा बनेगा कि S, या इसकी बात इन्वर्जन वाला ज्यादा बनेगा. yes, मैंने बताया ना आपको कैसे इन्वर्जन वाला ज्यादा बनेगा. सर आपकी वॉइस सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही. हेलो सर, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है. हेलो सर, विजिबल नहीं है. मैसेज ड्रॉप कर दो ना यार, मेरी आवाज नहीं आ रही है. सर स्क्रीन नहीं आ रही है. अब विजिबल है सर. यस सर, विजिबल है. अब विजिबल है? यस सर, विजिबल है. यस सर. यस सर, विजिबल. किसी को कुछ भी नहीं डाउट, ठीक है, आगे बढ़ जाए. अब ध्यान से देखो आप लोग, ध्यान से क्या देखना है. सिंपल सी बात, अगर एच एक्स होगा तो मार्कोनिकोव जैसे फॉलो होगा. अगर एच एक्स में एच टू ओ टू डाल दे तो क्या बनेगा? एंटी मार्कोनिकोव बन जाएगा. ये तो आपको पता है ना. यस सर. देखो मान लो कि कोई एल्कीन है हमारे पास. क्या है? कोई भी एल्कीन है. एल्कीन. अगर आप इसमें ब्रोमीन डाल दो और ब्रोमीन के साथ CCl4 डाल दो तो पता है क्या बन जाता है? यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाता है और यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाता है. क्लियर है क्या? यस सर. देखो क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है.
मान लो कि मैं ऐसे बना रहा हूं, क्या होगा बताओ जरा? ग्रुप में कैसे क्वेश्चन आया था डाउट वाले में, आया था कि नहीं आया था? Yes, आया sir. था। आप बताओ इसमें अगर मैं डाल दूं NaNH2 डाल दूं, या बेस का काम करेगा क्या? बेस का काम करेगा तो yes, एक sir. बार इस H को निकाल लेगा, एक बार इस H को निकाल लेगा तो जाहिर सी बात है इसके तो यह में निकल जाएगा, इलिमिनेशन हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. तो NaBr. Yes, sir. कुछ ऐसे हो जाएगा, और फिर अब दूसरी बार यह बेस आएगा तो इसको निकाल लेगा, यह वाला बाहर आ जाएगा, फिर वहां पे बन जाएगा। दिख रहा है क्या? यस सर, दिख रहा है। अब यह वाला हाइड्रोजन क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। अब फिर से अभी भी हमारे पास बेच है NH2-, फिर से इसको yes, निकाल sir. लेगा तो यहाँ कुछ ऐसे बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब मान लो साथ ही साथ यहाँ पे कोई आई ऐसे लग जाए तो SN2 रिएक्शन कर लेगा इसलिए। ऐसे कई स्टेप में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, कई स्टेप में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है क्या मेरी बात? ओके सर। गुरमनंद समझ आया है? यस सर। दीपांशी आप बताओ, जतिन क्लियर है सर? अगर आप लोग ना जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा आप लोग को, रियली बता रहा हूँ। जी सर। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। चलो एक और क्वेश्चन पूछू क्या आप लोगों से? यस सर। अब ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट बता दो विद स्टीरियो आइसोमर, मतलब टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी काउंट करना है, बताओ जरा, बताओ जरा। बोलो बोलो क्या होगा सर? 3। क्या कितना आएगा बताओ? ये बताओ, यह बीटा कार्बन है, यह भी बीटा कार्बन है, तो जाहिर सी बात है पहला प्रोडक्ट अगर मानो एल्कोहलिक की वजह से, तो जाहिर सी बात है एल्कीन बनेगा क्या? तो या फिर पहले वाले से हाइड्रोजन निकल के एल्कीन बनाएगा या फिर दूसरे वाले से, बताओ क्या किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहला वाले no, sir. तो क्या पहले वाले में सिस और ट्रांस पॉसिबल है क्या? yes. तो इसमें तो दो प्रोडक्ट हमारे इसी के बन गए, आप बताओ दूसरे वाले में सिस ट्रांस पॉसिबल है? no, sir. नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन आपको दिख जा रहे हैं, इसमें पॉसिबल नहीं है। यानी कि दो तो यह फिक्स हो गया और एक यह फिक्स हो गया, इसका दो नहीं बनेगा, इसका केवल और केवल एक ही बनेगा, तो टोटल तीन बने ना। समझ गए आप? yes, लोग sir. किसी को कुछ भी डाउट? यस नो सर। आई होप किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा, किसी no, को क्लियर है? आगे बढ़ते yes, देखो एक होता है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, शायद आपने पढ़ा होगा हैलोजन फिलक्रिस्टल रिएक्शन इसको बोलते हैं। इसमें कोई भी RX होगा और इसमें हम क्या डाल देंगे? NaI डाल देंगे। X का मतलब केवल और केवल क्लोरीन और ब्रोमीन से रिलेटेड है, तो क्या बन जाएगा? RI बन जाएगा और RN और NaNX। मैंने कल के रिएक्शन में शायद ऐसा कोई था बताया था जब मैं प्री PYQ करा रहा था, फिंकेलस्टीन वाला मैं बता रहा हूँ उसका, मुझे अभी भी याद है।
यहाँ पे NO2 था और यहाँ पे CH2OH था। अब इस साथ में क्या डाल दिया गया, HX डाल दिया गया। जब HX डाला जाएगा तो इसको ये हटा देगा, या फिर HCl था yes, तो कुछ ऐसे था, CH2Cl बनेगा और यहाँ पे NO2 तो है ही। और फिर उसमें क्या डाल दिया था, गुदमनंत याद आ रहा है क्या आपको? यस सर यही था, एक ऐसे ही था ना। तो देखो आपको ना अगर सब एनसीईआरटी सही से पढ़ लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर मान लो कि हमें फ्लोरीन को बाहर निकालना है तो फ्लोरीन उस वाले फिलक्रिस्टन वाले से बाहर नहीं जाता है, इससे बाहर जाता है, या फिर आप उसमें AgF डाल दो, या फिर Hg2F2 डाल दो, या फिर COF2 डाल दो, या फिर SbF3 डाल दो, SbF3 कोई भी डाल दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, फ्लोरीन बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। यस सर, यस सर। अब बताओ इसका कैसे होगा, इसका तो आप लोग जानते ही हो ना। चाहे आप डार्क Fe रख दो, चाहे आप क्या रख दो, AlX3 रख दो, चाहे आप क्या रख दो, FeX3 रख दो, इसका कोई सा भी लेविस एसिड रख दो ना, तो क्या बन जाएगा, या फिर ऑर्थो बनेगा या फिर पैरा बन जाएगा। क्लियर है? यस यस सर। अब देखो यह होता है आपका एनिलीन, क्या होता है एनिलीन, NH2, इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। अगर आप लोग एनिलीन में NaNO2 और HCl डालोगे और टेम्परेचर 0°C से 5°C करोगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और आपको पता है कि N2+ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। अगर आप इसमें H2O डालोगे तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। अगर आप इसमें Cu2X2 डालोगे तो जाहिर सी बात है क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर Cu2Br2 डालोगे तो क्रोम, ये पता है क्या सैंडमायर रिएक्शन होता है ना। यस सर, सैंडमायर रिएक्शन आप लोग पढ़ना, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ना, सैंडमायर रिएक्शन होता है। तो यह बहुत ही हल्का होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, तुरंत क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर, नो सर। अब देखो ये भी आप लोग को पता होगा, CH3CH2Br। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर Mg ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन जाएगा, CH3CH2MgBr हो जाएगा। अब आप लोग जानते हो ग्रिगनार्ड रिएजेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अटैक कर सकता है। आप लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बारे में अच्छे से जानते हो, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन गया क्या? यस सर, बन गया। ये सब आप लोग डिपेंड करता है कि आप लोग प्रैक्टिस कितना करते हो। अगला देखते हैं, गुड जे रिएक्शन सुना था कल मैंने आपको, एक इसका बताया था थोड़ा सा हल्का सा। यस सर, और हमारे पास 2Na ले लिया, फिर से मैंने क्या ले लिया, RX ले लिया, तो कुछ ऐसे बन जाएगा, RR2NX बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, RR बन जाएगा। एक मैंने रिंग वाला रिएक्शन बताया था क्या, 6 मेंबर की रिंग बन रही थी। यस सर, हां गुड रिएक्शन मैंने ऐसे बताया था। देखो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पहली बात तो जो हेलोरिन होता है ना, हेलोरिन यह जल्दी रिएक्शन करता नहीं है। क्यों नहीं रिएक्शन करता है, क्योंकि यह भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाता है। बोलो, दिखा रहा है क्या, डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा रहा है। यस यस, इस पे डेल्टा माइनस आएगा, इस पे आएगा डेल्टा प्लस आएगा। तो अगर हमारे पास कोई भी OH माइनस है ना, इस पे अटैक तो करना चाहता है लेकिन यह टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता है, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। बोलो तो आप बताओ, क्या इजिली इसको तोड़ा जा सकता है? नो सर, नहीं तोड़ा जा सकता है। तो देखो इसको तोड़ने के लिए क्या किया, इस पे बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर रख दिया। हाई टेम्परेचर क्या रख दिया, हाई टेम्परेचर रख दिया और हाई प्रेशर रख दिया। क्लियर है? जब इतना कुछ किया ना, तब जाके यह NaOH क्या हो गया, इस पे जाके अटैक कर दिया, तब जाके क्या बन गया, फिनॉल बन गया। आप बताओ इसको क्या बोलते, डॉज प्रोसेस बोलते हो क्या? यस सर। ठीक है, अगला देखो। अब मान लो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, तो इसी डेल्टा पॉजिटिव की जगह आएगा ना अटैक करने। आप बताओ अगर वहां पे डेल्टा पॉजिटिव और भी ज्यादा हो जाए तो वहां पे और भी जल्दी अटैक करेगा? बोलो,
तो वहां पे डेल्टा पॉजिटिव लाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो वहां पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा? अरे खींचने वाला ग्रुप लगा दे रहे कोई, तो इलेक्ट्रॉन पूरा खींच लेगा तो वहां पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो सिंपल सी बात है ना कि अगर अगर हमने कोई ग्रुप नहीं लगाया, अगर हमने कोई ग्रुप नहीं लगाया तो 623 केल्विन लग रहा है और 300 एटीएम प्रेशर लग रहा है। अगर हमने एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो देखो 443 में टेम्परेचर कम लग गया। अगर मैंने दो ग्रुप लगा दिया तो टेम्परेचर और भी कम हो गया। अगर मैं तीन खींचने वाला ग्रुप लगा दिया तो टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही कम, मतलब कि क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट होगा आप लोग पूछ लेना, बेहिजक पूछ लेना। आगे बढ़ू? यस सर। यस सर। देखो अब क्लोरीनेशन हैलोजिनेशन सब करा लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, क्लोरीन डाल दिया और हमने AlCl3 डाल दिया या फिर FeCl3 डाल दिया, तो या फिर आर्थो पे बनेगा या फिर पैरा पे बनेगा, बताओ। यस सर, लेविस एसिड के केस में पैरा वाला मेजर बनेगा। नाइट्रेशन का देख लो, नाइट्रेशन हम कैसे कराते थे, HNO3 और H2SO4। अब यह NO2+ चाहे आर्थो पे अटैक करे चाहे पैरा पे अटैक करे, जो पैरा वाला होगा वह मेजर होगा। बिल्कुल। अब ये बताओ हमें सल्फोनेशन करना है, सल्फोनेशन का मतलब है, हाँ जी सर, इसमें भी मतलब लुईस एसिड यूज होगा, इसमें दूसरे इसमें नहीं लुईस एसिड होगी यूज होगी, केवल इस वाले में। ओके सर। अब इस वाले में देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, कार्बन क्लोरीन प्लस बनता है, इस वाले में NO2+ बनता है और इस वाले में SO3H+ बनता है। यह भी जो कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो SO3H+ बनेगा, चाहे यह आर्थो पे अटैक करे चाहे यह पैरा पे अटैक करे। क्या मेरी बात है? यस सर। क्लियर है सर। एक बारी बताना पैरा वाला मेजर क्यों होता है? क्या देखो पास वाला जो होता है ना, यह भी बड़ा ग्रुप है और यह भी बड़ा ग्रुप है तो आपस में रिपल्शन करते हैं, तो इसलिए पैरा वाला तो काफी दूर है तो रिपल्शन जल्दी नहीं करेगा। लेकिन किसी किसी केस में आर्थो वाला ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि उस केस में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वह ना रिपल्शन नहीं करते, वो अट्रैक्शन करने लगते हैं, तो इस केस में पैरा आर्थो वाला स्टेबल हो जाता है। ठीक है। ओके सर। देन यस सर। अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देख लो। आप बताओ कि एनहाइड्रस AlCl है, आप बताओ क्या AlCl4- बना लेगा और यहाँ पे CH3+ हो जाएगा क्या? यस सर। आर्थो पे अटैक करे चाहे पैरा पे अटैक करे, दोनों प्रोडक्ट बनाएगा, दोनों प्रोडक्ट में पैरा वाला मेजर होगा। सर अब देखो यहाँ पे AlCl3 है तो यहाँ पे भी AlCl4- बन जाएगा और यहाँ पे प्लस बन जाएगा, फिर अटैक करेगा, बन गया, हो गया क्या? ओके सर। यस सर, हो गया। अब देखो देखो हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ा था, वुड्स रिएक्शन में दोनों के दोनों एल्किल थे, एल्किल हैलाइड थे, दोनों के दोनों क्या थे, एल्किल हैलाइड थे। रिएक्शन वुड्स फिटिंग रिएक्शन में ना एक एल्किल होगा और एक मतलब एक हेलो एल्केन होगा और एक हेलोरीन होगा, एक हेलो एल्केन होगा एक हेलोरीन होगा, वो क्या होगा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन होगा। और एक होता है फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, दोनों के दोनों हेलोरीन होते हैं। पहली बात वुड्स रिएक्शन में दोनों के दोनों हेलो एल्केन, वुड्स फिटिंग में एक हेलो एल्केन और दूसरा हेलोरीन, फिटिंग दोनों ही एरिन होंगे, तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, हो जाएगा। अब देखो अब हम पढ़ लेते हैं ना, इसमें हमें दो तीन कंपाउंड पढ़ने हैं। कौन को पहला कंपाउंड में बता देता हूँ, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म वही रूमाल में लगा के बेहोश करने वाली दवा। अगर आप लोग क्लोरोफॉर्म को रिएक्शन देख लो, क्लोरोफॉर्म को अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मतलब लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, COCl2 बनेगा और क्या बनेगा, HCl। अब जो COCl2 है ना इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्जीन, फॉस्जीन गैस, और यह क्या होता है, जहर जैसे होता है, यानी कि पॉइजनस होता है। क्या होता है, पॉइजनस, फॉस्जीन, इंजरियस,
याद रखना फोस्जीन, यस नाम पूछ देता है डायरेक्टली फोस्जीन का क्या काम है, फोस्जीन गैस या फिर क्लोरोफॉर्म को लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पे कौन सी गैस बनती है, फोस्जीन गैस। डन, यस सर, यस। अब देखो, अब ध्यान से देखो, हमारे पास है CCl3 और CHO, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरल, क्या बोलते हैं क्लोरल, क्या है यह क्लोरल, इसका फोटो देख लो, दिख गया क्या आप लोगों को, क्या है यह क्लोरल है, क्लोरल है। अब यह क्या है, यह क्या है आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, और यह क्या है क्लोरल। आप बताओ क्लोरोबेंजीन के प्रेजेंस में क्लोरल, देखो H2SO4 के प्रेजेंस में क्लोरल का रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से कराने पे क्या बनता है बताओ जरा, DDT, क्या बनता है DDT, देखो H2SO4 के प्रेजेंस में क्लोरल का रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से कराने पे क्या मिलता है DDT, सॉरी फॉर, अच्छा हाँ क्लियर है मेरी बातें, तो ये सब चीजें आपको yes, क्या yes, पढ़ लेना, याद कर लेना, ये सब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आओ हम एक साल का PYQ लगा लेते हैं, इसलिए एक साल का PYQ हम लोग लगा लेते हैं, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मुझे कोल्ड हो गया है, एक बार आप लोग रुक जाओ थोड़ा सा। अप्रैल वाले सेशन का ही ले लेते हैं, एक बार यार इंटरनेट नहीं चल रहा से। जस्ट एक मिनट, आप लोग देखो क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है, स्क्रीन सबको शो हो रहा है, यस सर, चलो पहला जरा बताना, पहला इंपॉर्टेंट कर लेना, यह एग्जाम में आने की संभावना है, इसको आपके एग्जाम्स में आने की इसकी पॉसिबिलिटी है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। बताओ, अरे आप इसमें अल्कोहलिक एनएमएच या फिर अल्कोहलिक KOH डाल दो, एल्कीन बन जाएगा, और फिर उसके बाद HBr डाल दो, कौन सा आंसर आएगा, मुझे तो लग रहा है सर डी, फोर्थ वाला होगा, फोर्थ वाला डी है सर, नहीं है यहाँ पे Br2HBr ऐड करना है ना, यस सर, क्लियर है, ये बताओ सेट ओके सर, यस सर, दे सकता है सेट माई रिएक्शन कौन-कौन दे सकता है, मैंने आपसे बताया था यहाँ पे जो क्लोरोबेंजीन होता है ना, यहाँ पे एक्स होता है, एक्स क्या हो सकता है, या फिर क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, इन्हीं दोनों से हो सकता है, सैंडमायर रिएक्शन केवल और केवल क्लोरीन ब्रोमीन दे सकता है, ओनली और ओनली क्लू आएगा, ठीक है, इसका आप लोग बताओ, क्या पूछा है मेजर, आप बताओ यह बेस है क्या, बेस जरा बताओ, बेस है इसका मतलब yes, क्या sir, है, यस yes, सर, मतलब यही है ना कि अल्कोहलिक KOH होगा या फिर अल्कोहलिक NaOH होगा, क्योंकि नीचे वाला अल्कोहल है,
और जब एल्कोहलिक होगा तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, इलिमिनेशन होगा। वन टू थ्री, इन्हीं तीनों में से कोई एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो आप बताओ कि वही एल्कीन बनेगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो, तो या फिर पहले में से टूटेगा या फिर तीसरे में से, इन्हीं दोनों में से हो जाएगा। समझे क्या आप लोग? बोलो बोलो। यस सर, एल्कीन बनता है अल्कोहल के बेस। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड वाला ना, थर्ड वाला हुआ। चलो जरा इसका बताओ आप लोग। ये छोड़ो, ये वाला बता दो, फिफ्थ वाला बता दो, ये तो इजी है। फिफ्थ वाला बता दो। हमसे पूछ रहा है कि किस पे इलेक्ट्रोफाइल अच्छे से ऐड होगा। इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने के लिए, कोई प्लस वाला ऐड होने के लिए, जाहिर सी बात है रिंग पे माइनस चार्ज ज्यादा होना चाहिए। जाहिर सी बात है तीसरा वाला तो इलेक्ट्रॉन देगा अंदर, तो तीसरा वाला सबसे ज्यादा होगा। फोर्थ वाला सबसे कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, बताओ। यस सर, यस सर, तीसरा फोर्थ में कौन सा रिलेशन? ऑप्शन वन, ठीक है। यस सर, बताओ कौन ऐसा है जो सबसे फास्ट एस एन टू देगा। एस एन टू को भीड़ भाड़ नहीं पसंद है। पहला वाला ये वन डिग्री है, yes, या टू डिग्री है, या थ्री डिग्री है, और यह भी थ्री डिग्री है। ऑप्शन वन, पहला ऑप्शन। ये वाला बताओ, SN2 रिएक्शन ऑफ इतना इज अकर मोर रीडली देन ये। गलत है सर। गलत नहीं है, सही है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, CH3 CH2 Br है, और इसमें क्या था, C6 H5 CH2 Br है। इसका फोटो मैं बना लेता हूँ, CH3 CH2 Br है, और इसका कुछ ऐसे है। मैंने आपसे एक चीज बताया था कि जो बेंजाइलिक होगा, बेंजाइलिक हैलाइड होगा, चाहे एलाइलिक हैलाइड होगा, यह दोनों के केस में SN1 और SN2 सबसे अच्छा देते हैं। सबसे अच्छा SN1 और SN2 क्या देते हैं, बेंजाइलिक और एलाइलिक हैलाइड ही देते हैं। मैं जब उस टाइम पढ़ाया था तो मैं आपको बताया था, भूल गया क्या आप लोग को? नहीं याद है? मैं आप लोग को बोला था कि बेंजाइलिक और एलाइलिक हैलाइड जो है ना, सबसे अच्छा SN1 भी देते हैं और सबसे अच्छा SN2 भी देते हैं। SN2, SN2। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। तो बोलो, क्लियर है? तो जरा बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। दूसरा देखो, पार्शियल डबल बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल डेट डेवलप इन द ट्राइगोनल पिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज बाय कंजुगेशन विद फेनिल रिंग। सिंपल सी बात है, SN2 में आपको पता ही है कि क्या बनता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कम से कम ये भी मैंने बताया था आपसे कि दोनों बातें सही है। इसका आप लोग बता सकते हो? आप लोग बता सकते हो?
चलो इसको आप लोग ट्राई करना, कोशिश करना, आंसर देखने की कोशिश करना इसका, बताओ आप लोग। इसका आप लोग कर सकते हो। अरे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे केसीएन है ना, आपको पता है सीएन माइनस, यस सर, यहाँ पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कुछ इसमें ज्यादा नहीं करना, कर लोगे क्या आप लोग? मुझे नहीं लग रहा है ज्यादा कोई बड़ी बात है, कर लेना, कर लेंगे सर। कर लेना आप लोग एक बार, जरा अपना ग्रुप बता दो कौन कौन सा ग्रुप है। थैंक यू सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय सर, ओके सर, गुड नाइट सर। जिन रिएक्शन में हमने एक्स लिया था और सीएल और बीआर कंसीडर किया था, वहां पे हम फ्लोरीन क्यों नहीं कंसीडर करते? देखो फ्लोरीन पता है क्या, फ्लोरीन से बॉन्ड टूटता ही नहीं है जल्दी, क्लोरीन से बॉन्ड जल्दी टूटता ही नहीं, जब टूटेगा ही नहीं तो फिर रिएक्शन कहां से होगा, समझे क्या? और आयोडीन, क्या आयोडीन, आयोडीन उस पे, आयोडीन के केस में वहां पे स्टेबल ही नहीं होता है, वो इतना बड़ा साइज हो जाता है जल्दी स्टेबल ही नहीं होता है, वो अभी नहीं टिकता है। ओके सर, रीजन बहुत सारे है लेकिन हर एक चीज बताने लगा जाए ना तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, कहीं भी रीजन ऐसे पता नहीं चल पाता है, बस ऐसे याद ही कर लिया जाता, उसका एक ही उपाय है याद कर लो, ठीक है? Okay. क्योंकि मैं जो बोलूंगा वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट सर, थैंक यू, गुड।